नमस्कार। मैंने अक्सर ये देखा है कि कई लोग घूमने जाने से पहले कोई ठोस प्लानिंग नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई, किसी ने किसी खास जगह के बारे में बता दिया, तो वो वहां जा करके उस जगह को देखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि उसके आसपास की जो खूबसूरत जगह हैं, जो कि बहुत देखने लायक हैं, वो हम नहीं देख पाते, उनका आनंद नहीं ले पाते। और फिर बाद में अगर हमें उन्हीं जगहों के बारे में फिर किसी और आदमी से पता चलता है, तो फिर हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं सेम रूट में जा करके और फिर उन जगहों को देखते हैं। इससे हमारा जो पैसा भी खर्च होता है, हमारा समय भी खर्च होता है और हमारे शरीर को भी थकान महसूस होती है। इन सब से बचने के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि हमारी किसी भी जगह जाने से पहले ही एक बेहतर प्लानिंग हो, हम इस समझ सकें कि हमने कौन से रूट को पकड़ना है, उस रूट में कौन कौन सी जगह ऐसी होंगी जिनको कि हम देख सकते हैं और उसके आधार पर फिर हम उन चीज़ों का चयन करें। लेकिन एक जानकारी के अभाव में ये एक बड़ी मुश्किल हो जाती है, एक बड़ा रिसर्च भी इसमें करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि हम एक खास रूट को पकड़ेंगे और उस रूट में के आसपास जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जो कि देखने लायक जगह हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वहाँ जाने का साधन क्या होगा, वहाँ किस तरीके से रुका जा सकता है, कौन कौन सी जगह देखी जा सकती हैं, आमतौर से उस खास जगह में कितने दिन आपको गुजारने चाहिए या फिर कितने घंटे आपको वहाँ पर गुजारने चाहिए। इस तरह से विस्तार से हम लोग इस सीरीज को चलाएंगे और अलग अलग जगहों के बारे में इसमें जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है, हम लोग इसमें मैपिंग को समझेंगे, क्योंकि बिना मैप के मुझे लगता है कि कहीं पर भी अगर आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने अभी तक मैप नहीं देखा है वहां का, तो आप एक बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते। एक उदाहरण लेते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ का। मान लीजिए आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया, वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार तक ट्रेन बहुत आसानी से मिल जाती है और आप किसी भी माध्यम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 160 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक ऐसी जगह है जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप अलकनंदा वैली पर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ, और मंदाकिनी वैली पर बढ़ने पर आप पहुंचेंगे केदारनाथ। और यहीं से वो बात शुरू होती है जो एक मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने केदारनाथ जाने का पहले प्रोग्राम बनाया, तो आप मंदाकिनी वैली में आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड एक ऐसी जगह है जिसके आगे फिर आप बस से या फिर टैक्सी से नहीं जा सकते, ये इस रूट का अंतिम बस स्टेशन है। इसके बाद आपको 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी और आप केदारनाथ जाएंगे, वहां के दर्शन करके वापस गौरीकुंड लौटेंगे और फिर कुंड होते हुए, ऊखीमठ होते हुए आप पहुंचेंगे चमोली। चमोली अलकनंदा वैली का एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप रुद्रप्रयाग से भी अलकनंदा वैली को पकड़ते तो फिर आप चमोली में पहुंच सकते थे। मैप के माध्यम से देखते हुए इसको चलिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर चमोली से आप आगे अलकनंदा वैली के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आप इसी रूट से रुद्रप्रयाग होते हुए वापस हरिद्वार और फिर जहां भी आपका घर है वहां के लिए आप वापसी कर सकते हैं। तो आपकी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आपने इस पूरे रूट में बेहद खूबसूरत जगहों को मिस कर दिया है। अगर आपको फिर से उन जगहों में जाना पड़े तो इस लगभग पूरे रूट को एक बार दोबारा कवर करना पड़ेगा। आइए एक बार जानते हैं। मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछे कि आपको एक ऐसी जगह जाने का मौका मिले जो कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा हाँ। और अब आप इस रूट को देखिए, जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है चोपता, जिसे कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना शिव मंदिर यानी कि तुंगनाथ। आप बेहद आसानी से इस मंदिर के दर्शन कर सकते थे और उसके भी ऊपर जाकर के चंद्रशिला नामक एक बहुत खूबसूरत जगह को देख सकते थे, लेकिन वो आपने मिस कर दिया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको एक ऐसी जगह जाने का मौका मिले जहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो आप वहाँ भी जाना निश्चित रूप से पसंद करेंगे। जगह है त्रिजुगी नारायण, और जब आप केदारनाथ जा रहे होते हैं या फिर वहां से वापस लौट रहे होते हैं तो एक छोटा सा कस्बा आता है सोनप्रयाग।
सोनप्रयाग से लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है त्रिजुगी नारायण। बेहद खूबसूरत मंदिर है, चाहे आप वहाँ अध्यात्म के नजरिए से जाएं, चाहे आप पर्यटन के नजरिए से जाएं, दोनों तरीके से आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये जगह आपसे मिस हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ से लगभग 24-25 किलोमीटर पहले एक जगह आती है गोविंद घाट। आप अगर बिना जानकारी के जाएंगे तो वहां से सीधे गुजर जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि वहीं से रास्ता निकलता है फूलों की घाटी के लिए। फूलों की घाटी जो कि विश्व धरोहरों में से एक है, और उसी से 6 किलोमीटर और आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगे हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब, जो कि लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक गुरुद्वारा है। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतर रूट मैप अपना बना सकें। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, आप इसको एक तरह से पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की और फिर आप वापस आ गए, और फिर बाद में आपने किसी से सुना, आपके किसी दोस्त ने बताया, या फिर आपने कहीं पढ़ा कि आपने फूलों की घाटी जाना चाहिए और उसके साथ हेमकुंड साहिब जाना चाहिए। हरिद्वार से गोविंद घाट की जो दूरी है वो लगभग 190 किलोमीटर है, जिसमें कि आपको कवर करने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप ये महसूस कीजिए कि अगर काश आप वो जो यात्रा आपने बद्रीनाथ की थी उसी के साथ इसको कनेक्ट कर लेते, फूलों की घाटी को उसके साथ जोड़ लेते, तो आपको ये जो यात्रा है ये दोबारा नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक रूट मैप के माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी एक अच्छी यात्रा कर सकते हैं। यही नहीं, इस तरह की और तमाम ऐसी जगह हैं जिनके बेहद करीब से हम लोग गुजर जाते हैं, लेकिन वहां के दर्शन नहीं कर पाते, उन जगह का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसी उदाहरण की बात अगर हम करें तो मेरा ये मानना है कि आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा अलग अलग प्रोग्राम बना करके करनी चाहिए। एक बार आप अलकनंदा वैली को ले सकते हैं, एक बार आप मंदाकिनी वैली को ले सकते हैं, जिससे जब आप अलकनंदा वैली में अगर प्रवेश करते हैं तो अलकनंदा वैली में जो भी देखने लायक चीजें हैं उनका चुनाव आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मंदाकिनी वैली के जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनको भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब आपको एक बेहतर जानकारी मिलेगी, एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब आप एक अच्छा रूट मैप बना सकेंगे, अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। इसके लिए जो इस सीरीज की जिसकी मैंने अभी बात की हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, इस पूरी सीरीज में हमने काफी रिसर्च की है, काफी मेहनत की है और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो इस सीरीज का नया वीडियो, जो पहला वीडियो एक तरीके से अगर हम कहें, तो जल्द ही आप लोगों के सामने पेश होगा। तब तक दीजिए इजाजत, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसी खास जगह के बारे में जानना चाहते हैं, मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्दी मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।